आजकल के जो इवेंट है और I just like to say Equal is a platform to spread awareness and mainly to spread knowledge on equality. So I would really like if everybody could support it. Okay, ये कैसे जहन में आया कि हाँ इस तरीके का कोई पहल करनी चाहिए? I thought about it because I was actually very sensitive about the inequalities in our social system, and I actually used to hear and read about inequalities a lot. So I thought that you know. It'll be a good thing if people at least are aware about what's happening because in today's day and time there's no awareness also. So so many people are supporting It's been a very hard journey of course. We've worked very hard myself and Team Equal. So I mean yes, I just have to say thank you to each and every one of them who's a part of the Equal platform. Challenges there were many challenges in the journey because you know Instagram was like a very Instagram in fact is still a very hyped up thing and to get followers on Instagram and to make sure that you know people read our content and people know what we're talking about and to make our point very clear to people is very very important so you know when you have to post something you have to think about it as is there going to be a controversy after that or no Is it okay politically correct and stuff like that? किसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? मम्मा पीछे से मुस्कुरा रही हैं। मैं ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को सब क्रेडिट देना चाहूंगी। मेरी मॉम मेरी इंस्पिरेशन है एंड आई एम फॉलोइंग हर फुटस्टेप। शी इज बीन द फर्स्ट वर्किंग वुमन इन माय फैमिली। सो यस एंड आल्सो माय डैड बिकॉज़ ही इज माय सपोर्ट सिस्टम। सो या। क्या-क्या होने वाला है उसके बारे में Equal in the coming future we're working with a few NGOs and we're also collaborating with Vasan Foundation. Via Vasan Foundation we've already ventured into the health segment. We're going to be doing menstrual health campaigns very soon and we've also adopted a village with Vasan Foundation in Maharashtra. प्रणाया इंडिया की सबसे यंगेस्ट एनजीओ चलाने वाले हो जाएंगे आज के बाद से जी कितना प्राउड फील कर रही हैं आप प्राउड तो मैं फील कर रही हूँ बट आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी सपोर्टिंग मी सो या और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो अपील करना चाहेंगे कुछ मन में है आपके मैं लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगी कि लोग ये कॉज को समझें और हाँ बस इक्वालिटी के बारे में वो समझें कितनी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी नॉर्मल नहीं है इक्वालिटी इज आज प्लेटफॉर्म इक्वल इज स्पीकिंग अबाउट इक्वालिटी इन जनरल इट स्पीक्स अबाउट जेंडर रेस इनकम एवरीथिंग इट्स नॉट ओनली जेंडर वी नॉट ओनली स्पीकिंग अबाउट फेमिनिज्म वी कवर ऑल टॉपिक्स अबाउट इक्वालिटी थैंक यू सो मच जी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से प्रणाया इज समवन वेरी डियर टू मी मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा है बिकॉज एकता उनकी मदर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो मैं प्रणाया को बचपन से जानती हूँ एंड शी इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड एंड शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन ये सोच होना इस उम्र में कि मैं कुछ एक डिफरेंस लाना चाहती हूँ और उसके ऊपर एक्ट करना वही बहुत बताता है एक बच्चे के बारे में कि वो इस उम्र में ऐसे सोच सकती है तो 5 साल बाद हम उसको कहाँ देखेंगे प्लस वो कितना डिफरेंस ला चुकी होगी सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट प्रणाया इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ हर्स एंड ऑल्सो आई थिंक द प्रोजेक्ट जो उसने पिकअप किया है वो कितना रेलिवेंट है आज की टर्म्स में अगर सच्ची में ये अपनाया जाए तो बहुत एक अवेयरनेस और एक थिंकिंग में चेंज आएगा और बहुत बेनिफिट होगा बहुत लोगों को सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोजेक्ट शी इज चोजन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट हर कितना जरूरी है अर्चना जी यंग लोगों का इस फील्ड में खास करके आना कितना इम्पोर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपने एकदम सही बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूथ ही तो कल का यू नो हमारा टुमारो है और अगर यूथ में थॉट प्रोसेस में चेंज आएंगे और वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे चेंज करने में पूरा द होल बेसिस ऑफ दिस थिंग इज़ अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस एंड द चेंज इन द थॉट प्रोसेस विल कम थ्रू अवेयरनेस तो बहुत नेसेसरी है यूथ का ये करना और वो जिस प्रोसेस से कर रही है आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम श्योर शी विल मेक अ डिफरेंस अर्चना जी कुछ अपील करना चाहेंगे लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें या जी हे दिस इज़ अर्चना कोचर एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू ऑल टू सपोर्ट प्रणाया इन द वंडरफुल एंडेवर दैट शी इज़ डूइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल थैंक यू थैंक यू प्रणाया को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी और कितना
सारी शुभकामनाएं. जब मुझे फ़ोन किया गया और मुझे बोला गया कि 14-year-old girl is organizing this event, I was so proud. I mean, I felt like, oh my God, अभी 14-year-olds are doing this. हम लोग ने तो पता नहीं, we should be ashamed of ourselves. So, congratulations to Pranaya. And I hope she receives a lots of success. And we're there to support her. Sir, कितना important है ऐसे young लोगों का इस field में आना, ताकि बहुत लोगों को इसका benefits मिल सके, फायदा मिल सके. सी पहली बात तो सब लोग अपने में इतना खोए हुए हैं. सब लोग अपना जर्नी, अपना सक्सेस, अपना करियर बनाने में लगे हैं. तो जो इंसान रुक के थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, सबसे पहले आई थिंक इट्स अमेजिंग फॉर द इंटरनल ग्रोथ एंड द सोसाइटी. बहुत कम लोग वापस देते हैं सोसाइटी को, सब अपना अपना सोचते हैं. सो ये अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाँ, इस अवेयरनेस को हेल्प करना, इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाना, लोगों को ऐसे साथ में लाना, आप सबको इन्वॉल्व करना और ये बातें रीच कराना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी स्टार्टेड ग्रेट. हर पेरेंट्स मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ हर एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर. सो वेल डन टू प्रणया. सारा क्या कर रहे हैं निजी जीवन में, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ा सरप्राइज है. अभी आई प्रोड्यूस 2 म्यूजिक वीडियोस. अभी आगे बहुत कुछ प्रोड्यूस करना है एंड एक्टिंग भी करना है, तो बातें चल रही है. सो अभी इट्स टू अर्ली इन दैट स्टेज. थैंक यू सो मच. I think it's a very gorgeous initiative she has taken, and she's very young. And I think we need to have more like Pranaya Vasan kind of a, you know, children coming up and supporting such an important cause of equality. And the name itself sounds so beautiful. I think so. It's this whole subject is very sensitive and very emotional to me, because during my time when I was growing up in the childhood, you know, it was very difficult for us to talk to our parents about equality. But now the situation and scenario has completely changed. Okay, if young people like her coming up and, you know, having this cause, helping people out from the closet, helping people out into a different fields, I think she's doing a great job. And any point of time, if I can be useful for her, I'll be more than enough to support her. That's thank you so much for having me. What do you think? I'm sorry? For me, equality is something, you know, that like how love has no gender, you know, like soul has got no gender. So I think so, being men, woman, gay, LGBT, I think we only humans have created this adjective and words and these words on the dictionary. Okay, for me, everybody is created by Lord Krishna. The way soul has got no gender, so I think we all have to treat everybody equally with a lot of respect, all right, and understand the emotions behind it. And it's very important when you start recognizing your own soul, what you are, right? That this world will be very beautiful place for you. So I always believe, like I always say, that give to the world the best you have, and remember the best will always come back to you. And that's what I have learned in my life, and that's what I spread around the word of peace, love, and equality. Thank you so much. Thank you. पहले तो मैं हम बहुत ही खुश हूँ ये देख कर कि हिंदुस्तान ने कितना प्रोग्रेस किया है, कि हम आज एक 14 साल की लड़की जो टीनेजर है उसको, शी हैज़ कम अप विथ समथिंग लाइक दिस. शी इज़ ऑलरेडी यू नो सो मैच्योर्ड इन हर थिंकिंग, यानी उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही है, और हम अब उसी को और उसके विचारों को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं, और उसके विचार इतने शुद्ध है, दे सो प्योर एंड सो गुड, एंड दिस इज़ आर न्यू जनरेशन. तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए, और हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आगे लिया है ये इक्वालिटी
इक्वालिटी अमंग्स एवरीबडी, ये इक्वालिटी हर चीज़ में हो सकती है. यू नो आई थिंक प्रणाया हैज टेकन अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड आई एम ऑल प्रो फॉर इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वाबीज एंड तन्वी फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. मतलब मैं बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मिस कर दे. थैंक यू. और इस तरीके का यंगस्ट अगर इस फील्ड में आते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं या अवेयर करते हैं लोगों को, कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है ये कार्यक्रम? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा यूथ आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई देता है. यूथ क्या, हर कोई सोशल मीडिया पे दिखाई देता है. जैसे वो मैंने आज ही पोस्ट किया था, मैं भी हूँ लेकिन मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ. मुझे ये लगता है कि अगर आपको सक्सेसफुल रहना है लाइफ में तो आप अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिएगा, देन यू स्टार्ट वर्किंग. यू नो गेट ऑफ द सोशल मीडिया एंड स्टार्ट वर्किंग. बट प्रणाया जैसे लड़कियाँ जो इनिशिएटिव लेती है और सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. क्योंकि जैसे आपने वो देखा ही होगा, वो तीन मंकीज होते थे, यू नो ये वाले, तो अभी दूसरा वाला है व्हाट्सएप वाला. तो यू नो आई थिंक कि आजकल की यूथ अगर सोशल अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करे सोशल मीडिया को छोड़ के, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. और ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है, कल जाके यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यही हमारे DM बनेंगे, यही हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड आई विश हमारे टाइम पे भी ऐसा होता और लोग हमारे, जब हम बच्चे थे हमारा, क्योंकि बच्ची ही है वो, 14 साल की लड़की बच्ची ही होती है, लेकिन उसने इतने मैच्योरिटीज के साथ इतना बड़ा स्टेप लिया. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ. इक्वल की बातें हो रही हैं जी, इतना जरूरी है आज के समय में, बहुत ज़रूरी है क्योंकि औरतें बहुत आगे चली गई है ना. वी आर ऑलरेडी सुपीरियर टू मेन, तो इक्वालिटी आप लोगों को देने के लिए बहुत ज़रूरी है. नो जोक्स असाइड, आई थिंक इट्स वेरी वेरी नीडेड. इक्वालिटी, लव फॉर ह्यूमंस, लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर नेचर इज वेरी वेरी नीडेड. रिलीजन को साइड में रखो, कास्ट और क्रीड को साइड में रखो, कलर को साइड में रखो, लोगों के प्रेफरेंसेस को साइड में रखो. अगर आप, इफ़ यू टेक द एटीट्यूड ऑफ लिव एंड लेट लिव, आई थिंक एवरीबडी विल बी हैप्पी, देयर विल बी नो वॉर. हाँ, तो मैं अब डायरेक्टर बन गई, तो अब मेरी पहली फिल्म तो रिलीज हो गई, अभी सेकंड फिल्म श्रीमान ऐश्वर्य राय कंप्लीट है एंड वी आर वेटिंग टू शो यू गाइस द ट्रेलर. प्रोड्यूसर मेरा हस्बैंड है. मैं सिर्फ उनके पैसे खर्च करती हूँ. जिस तरह से रेप इंडिया में जिस तरह से बढ़ रहे हैं रेप केसेस, तो क्या कहना चाहिए कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? हम माओं को, हमारे बेटों को बहुत अच्छी तहजीब और एजुकेशन देना चाहिए कि अ नो मीन्स अ नो, अ नो डज नॉट मीन यस. तब जाके ये सब चीज़ें कम हो जाएगी और इवेंचुअली रुक जाएगी. तो मैं, क्योंकि मैं आज माँ हूँ और दो यंग बेटों की माँ हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को ये सिखाना कि रेप इज़ नॉट गुड. A girl saying no is saying no. You have to understand and agree. तो ये मेरे पे जिम्मेदारी, हम सब माओं पे, हम सब औरतों पे जिम्मेदारी है. And the faster we take it, the better it is. Enough of blaming men. I think we should also take some responsibility. Thank you. Thank you. Thank you. कुछ कहना चाहेंगे प्रणाया? या आई मीन 14 की एज में टू डू समथिंग सो अमेजिंग, टू वर्क ऑन इक्वल एंड यू नो, इस एज में यूजुअली हम इस बारे में सोचते भी नहीं है, बट शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट हर बिकॉज आई हैवंट मेट हर येट, बट आई एम गोना बी सीइंग हर, सो सुपर एक्साइटेड. थैंक यू. ठीक है. माई नेम इज़ पामला सरीना रोल, मैं दुबई से हूँ. आई एम बॉर्न इन UK. आई एम मिसिज इंडिया, आई मिसिज फॉर्मर मिसिज इंडिया UK एंड आई एम मिसिज
यूनिवर्स डिवाइन. सो मेरा जो काम है, आई एम रियली आई एम वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस फॉर एम्बेसडर फॉर पीस. एंड जो इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नाउ जो हम यहाँ लिविंग इन 2022, इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वुमेन शुड बी एबल टू डू एंड वर्क जस्ट एज इक्वली एज मैन शुड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट टू अ सिचुएशन वे वी कैन फॉलो दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस वेयर इट्स नॉट ए a taboo where girls should be getting married at a young age and they shouldn't be able to work. We should have equal opportunities. So it's very, very important that we highlight these issues. We want men and women to be equal. We want to, we do things which are inequality. We are just as strong as men. So, I mean, this cause you hear, she's a very young girl. She's 14 years old and she's promoting this. So the new generation is heading towards equality. And एक छोटी सी बच्ची, she's 14 years old, और ये इतना highlight कर रही है. So that should be a it should for us, it should be important that we follow this from the younger generation. What is the difference India or UK? Okay, so India mein what I've noticed working around all over the world is India mein hamesha we have girls which don't get educated so often. They are not as modern, but in England hamara rule hai like banaya that hame girls and boys we have to go to school. If hum school nahi jayenge to parents ko court order mil jayega, they'll get fined. So we have to educate and build ourselves. We have to go. But yahan pe if you don't send bachchi ko school nahi bhejte to koi kuch karta nahi hai. So it's very important, unless you're from, I'm talking about the middle class and the lower class, unko hame promote karna chahiye that girls should have education as well. They don't need to get married at such a young age. They don't need to follow housewife rules. We need to step up the game and give the same opportunity jo high class mein hai aur low class aur middle class bachchon ladkiyon ko milna chahiye. माला जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्वल की यहाँ बातें चल रही है और प्रणाया बहुत यंगेस्ट लड़की जो इतना बड़ा पहल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इक्वलिटी के बारे में? आई थिंक प्रज्ञा ने बहुत ही फंटास्टिक काम किया है. वासन फैमिली ऐसे बहुत सारी फैमिलीज चाहिए जो ऐसे काइंड ऑफ इवेंट्स करें. और इट्स टाइम फॉर टेकिंग एक्शन एंड प्रोसीडिंग फर्दर. बहुत अच्छी बात है. एंड सच ए यंग कमेंडेबल, बच्चों को बहुत कुछ इससे सीख मिलेगी, इस इवेंट से स्पेशली. सारा बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए. ऐसे डॉक्टर कितना प्राउड फील करते हैं ऐसे मदद. वेल डेफिनेटली जब बच्चे अच्छे करते हैं तो पेरेंट्स को तो प्राउड फील होता ही है. बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं हर माँ को ऐसे लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग सब अपने तरीके से तो अच्छे करते ही हैं, बट एक होता है ना कि पता नहीं मेरी पार्टनरशिप मैंने बराबर की या नहीं, बट जस्ट व्हेन पीपल टॉक यू नो दैट यस यू रियली डन सम ग्रेट वर्क. सो इट्स ऑल अबाउट एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग. सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड गॉड इज़ बीन काइंड. मेरा बुक लॉन्च नहीं हुआ. मैंने एक फैशन शो किया था इन कोलैबोरेशन विद रोहित वर्मा विदी विद ग्रो यंगर. मैं ये ग्रो यंगर ग्रुप चलाती हूँ विच इज 60+. उनको फैशन वॉक करा, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ग्रो यंगर मैगजीन लॉन्च की. तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मैगजीन कि इस एज में 60+ वाले लोग ने रैंप वॉक किया है, और उस मैगजीन में सब उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिखा हुआ था. कैसा रहा एक्सपीरियंस उसका, 60+ जो पार्टिसिपेट किया लोगों ने, उनका ब्रीफिंग कैसा रहा या उनका फीडबैक कैसा रहा? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग. एंड कहीं ना कहीं व्हेन यू क्रॉस दिस एज 60-70 एंड अबाव, समवेयर आपको लगता है यू स्लो डाउन. एंड फॉर मी टू डू दिस शोज वॉज अ लिटल अपलिफ्ट फॉर देम टू गेट बैक देयर ओन, यू नो व्हेन दे वर यंग एंड दे जस्ट फेल्ट सो एनर्जेटिक एंड मोर कॉन्फिडेंट. आई थिंक ऐसे शोज होने चाहिए टू जस्ट मेक देम लिटल एवरी टाइम अवेयरनेस लाना कि येस यू कैन डू मोर एंड मोर एंड बेटर बिकॉज एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. कई लोगों ने तो, लेडीज़ ने कभी ऐसे कुछ किया ही नहीं था लाइफ में, ना ही लाइक यू नो उनके
फैमिली में कभी ऐसे कुछ सुना था तो फॉर देम इट वॉज वेरी अमेजिंग थिंग. थैंक यू सो मच. इंडिया की सबसे यंगेस्ट तनाया लेडी है जिसके कंधे पर इतनी बड़ी जवाबदारी है और इक्वालिटी की बातें हो रही है यहाँ पे, वुमन एम्पावरमेंट की बातें हो रही है. कितना जरूरी है इस तरीके का सब्जेक्ट पे आज चर्चा करना जिसमें आज तनाजी रानी भी शामिल हुई है. जी अच्छी. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रणाया जो आप कर रहे हो 14 साल में शायद यही नई पीढ़ी की शुरुआत है. बिकॉज जो हम 40 इयर्स में नहीं कर पाए या सीख रहे हैं आप ऑलरेडी 14 इयर्स में कर रही हैं. आई थिंक दिस इज़ द न्यू जनरेशन. उन्हें सब कुछ फास्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी फास्ट है, उनकी लाइफ भी फास्ट है, उन्हें ग्रेटिफिकेशन भी फास्ट चाहिए, मतलब जवाब भी फास्ट चाहिए. तो क्यों ना हम साथ में मिल के वुमेन को, वुमेन एम्पावरमेंट को जल्द से जल्द जितने भी वुमेन यहाँ पे है उन्हें एम्पावर करें. एंड आई एम ग्लैड दैट दिस गर्ल इज़ डूइंग इट एट 14 ईयर्स ऑफ एज. मतलब एक ही बात मेरे जहन में आती है कि इनकी परवरिश जो है या जो बातें हो रही है घर पे, इट मस्ट बी रियली काबिले तारीफ के 14 ईयर्स में उसने ये कदम उठाया है कि लेट्स ब्रिंग द वुमेन टुगेदर, वुमेन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, मतलब इक्वालिटी इन डिस्पैरिटी, मतलब जितने भी आप अलग हैं, लाइक मैं अलग हूँ, कोई और लेडी कुछ अलग कर रही है, लेकिन सारे के सारे हम कुछ ना कुछ से गुजर रहे हैं. तो साथ मिलके अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. एक बहुत ही अच्छी कहावत मैंने आजकल पढ़ी थी एक बुक में कि हम इस धरती पे सिर्फ हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स और सिर्फ पार्टी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं लोगों को मदद करने. अगर आप किसी की लाइफ को बेटर नहीं कर रहे, आप अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे, देन यू आर अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ. आई माई सेल्फ बींग एन एक्टर, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड लाइफ कोच, मैं एक क्वालिफाइड लाइफ कोच हूँ. एंड इनफैक्ट हाल ही में एक हफ्ते के बाद आई एम टेकिंग माई फर्स्ट एवर वर्कशॉप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. सो दिस इज़ माई गिव बैक टू सोसाइटी. आई थिंक हर एक शख्स जो है, वेदर यू आर मैन और वुमेन, यू नीड टू हेल्प अदर पीपल, क्योंकि यही तो है यू नो दस्तूर है जिंदगी की. ऑफकोर्स इनफैक्ट आज समय आ गया है कि अगर आप शादीशुदा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉय और गर्ल है, आप बॉय हो सकते हैं, गर्ल गर्ल हो सकते हैं. आई थिंक लाइफ हैज ओपनड अप सो मच और खुल के माँ बाप भी अपने खुद के बच्चे को स्वीकार कर रही है. इट डजेंट मैटर इफ योर गे, डजेंट मैटर वॉट योर प्रेफरेंसेज आर, लव हेल्प टुगेदर संगत, यू नो जस्ट एम्पावर द अदर पर्सन. पता नहीं आपके कुछ अच्छे लव्स, उस दिन के अच्छे लव्स उस इंसान को कहाँ तक पहुँचाएगा. और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे की कस्टडी उनके पास नहीं है. और अक्सर मैं उन्हें जब यू नो व्हेन आई एम हेल्पिंग देम आउट, जब वो मेरे पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स क्लाइंट्स हैं, मैं कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ उन्हें बेटर फील करने के लिए, उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने के लिए. और महीनों के बाद वो मेरे पास आते हैं, यू नो दे से तनाज जो आपने मुझे उस दिन कहा था, टिल टुडे आई रिमेम्बर और मैं उसी पे चल रही हूँ. सो यू नेवर नो आपके बोल में क्या अनमोल चीज़ होगी जो उस इंसान को आगे तक लेके जाएगा. एंड इमेजिन आपका कर्मा कितना बढ़ेगा, एंड इमेजिन आप कितने खुश फील करोगे, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते. निजी जिंदगी में मेरे तीन बच्चे हैं एंड स्कूल जाते हैं. एंड ऑफकोर्स आई एम वर्किंग ऑन सम वेब शोज, दो वेब शोज है, एक नई सीरियल शायद शुरू होने वाली है.
एंड ऑल्सो आई एम अ लाइफ कोच सो मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा चलते ही रहते हैं एंड या दैट्स इट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑफकोर्स आई एम इन्फ्लुएंसर नाउ सो बहुत सारा कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहती हूँ एंड या बच्चे फिलहाल बहुत सारा समय लेते हैं मेरे बट आई लव इट थैंक यू सो मच थैंक यू